बीते दिनों दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में 19,000 फुट की ऊंचाई पर आए बर्फीले तूफान के चलते शहादत का जाम पीने वाले पंजाब के चार लालों का उनके पैतृक गांवों में आज हजारों नम हो रही आंखों के सामने सैन्य सम्मान के साथ विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी हां, शहीद हुए 22 वर्षीय पंजाब रेजिमेंट के सिपाही डिंपल कुमार को हिमाचल के ठाकुर द्वारा के साथ पड़ते पंजाब की सीमा के गांव सेदो नौशहरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सियाचिन में सोमवार को बर्फीले तूफान के कारण भारतीय सेना 3 पंजाब रेजिमेंट के 4 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से एक हिमाचल के सीमा के साथ पड़ते हाजीपुर ब्लॉक के अधीन आते गांव सैदो नौशहरा का 22 वर्षीय नौजवान सिपाही डिंपल कुमार भी एक था, जिसका दोपहर बाद करीब 4 बजे पैतृक गांव सैदो नौशहरा में पार्थिव शरीर पहुंचा। यहां भरी नम आंखों से गांव और क्षेत्र के लोगों ने शहीद के नाम के जयकारे लगे, भारत माता की जय घोष के नारों के पूरा गाँव गूंज उठा। जी हाँ, शहीद के छोटे भाई हरविंदर कुमार ने अपने भाई को मुख्य अग्नि दी। जिला सिविल प्रशासन के अलावा मुकेरिया के विधायक इंदु बाला, संगत सिंह गिलजिया, डीसी होशियारपुर ईशा कालिया, एसएसपी होशियारपुर गौरव गर्ग व हरविंदर सिंह रंधवा जिला सैनिक भलाई अधिकारी मौजूद थी। वहीं जिला सैनिक भलाई अधिकारी होशियारपुर हरविंदर सिंह रंधवा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से शहीद परिवार को हर सहायता दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अभी 5 लाख का चेक पंजाब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए प्लाट खरीदने के लिए और परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। जी हां, वहीं पंजाब सरकार की तरफ से शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विधायक संगत सिंह गिलजिया ने यहां परिवार के साथ दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से हर संभव मदद परिवार से की जाएगी। उधर हकला विधायक मुकेरिया इंदु बाला ने यहां परिवार के साथ दुख प्रकट किया और शहीद परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से पूरी मदद देने की बात कही गई। शहीद सिपाही डिंपल कुमार जो कि 3rd पंजाब नाल संबंध रखते सन, उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के नदरन हिस्से दे विच जो कि दुनिया का सब तो ऊंचा बैटल फील्ड है, उत्थे शहीदी पाई और उन्हां दी शहीदी एक स्नो एवलांच के दौरान हुई, जिस दे विच कुछ होर साथियों की भी जान गई है। सिपाही डिंपल 2017 दे विच उन्होंने फौज ज्वाइन की और बहुत ही यंग और होनहार सोल्जर सीगे। उन्होंने शहीदी पाउण दा माण जो है वह प्राप्त होया है। असी पंजाब सरकार वालों पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर मैडम ईशा कालिया, एसएसपी साहब, एमएलए गिलजिया साहब, एमएलए मैडम मुकेरिया वाले इंदु बाला मैम, तो मिलटरी अथॉरिटीज़ पूरी हाजिर हुई ने। उन्होंने अंतम संस्कार के समय उन्होंने बनता ढुकवां सन्मान देने दे वास्ते उन्होंने परिवार के पिछे उन्होंने फादर साहब वो इस टाइम तो जॉब पर ने, उन्होंने मदर ने, उन्होंने छोटा भैन तो एक भरा जो कि कुंवरे ने और डिंपल जी खुद भी कुंवरे से। इन्हों दोनों बच्चों के एक बच्चे नूं पंजाब सरकार वालों नौकरी देनी बनती है, वो परिवार की चॉइस के उपर है। बाकी जो फंड्स ने एक्स ग्रेशिया 5 लाख और एक्स प्लॉट के लिए 5 लाख रुपया, इन्हों माली सहायता पंजाब गवर्नमेंट वालों दी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है सर जी। एक प्लाट सरकार वालों जो पंजाब सरकार वालों दिता जा रहा है सर, शहीद के परिवार पंजाब सरकार वालों किस तरह गल के एक तो माली जी मदद है 5 लाख रुपया के नाल प्लाट होर भी जो सहूलत पंजाब सरकार वालों होती जा बड़ी माड़ी घटना हुई है, बड़ी जवानी भर च मौत हुई है, देश की राखी करते करते हुई okay. बहुत व्डा उसके परिवार का माँ बाप का भैन का इस नगर का इस इलाके बड़ी सोक की लहर है। असं सारे सच्चे पातशाह की अरदास करते हैं उन्होंने अपने चरणों में निवास देवे, हमेशा वो जो अमर शहीद रहे मैडम। नौजवान इलाके का शहीद हो परिवार के दुख व्यक्त किया। मैं तो बहुत दुख लगता साढ़े मकेरिया हल्के का लड़का शहीद होया, सरकार इन्होंने बारे जरूर इन्होंने बारे सोचेगी करेगी। जिस तरह इन्होंने दादा जी ने मेरे गल की है भी साढ़े पिंड के बाहर शहीद का गेट लगना चाहिए, मैं उन्होंने कहा जरूर लगेगा। JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।